अस्सलाम वालेकुम सर, कल मैंने सारे लेक्चर सिमरा को ईमेल कर दिए थे, वो आपको फॉरवर्ड कर देगी, लेकिन आप सब लोगों ने कोशिश करनी है स्पैम के ऊपर अपना अकाउंट बनाओ। बहुत सारे बच्चों ने बना लिया, आप उनसे हेल्प लो और अपना अकाउंट भी उधर बनाओ, क्योंकि आपका जो क्विज होगा वो स्पैम पे ही होगा, तो उसके लिए आपका वहाँ पे अकाउंट बनाना बहुत जरूरी है। आज हम पढ़ रहे हैं रिसर्च प्रॉब्लम, ये हमने शुरू किया हुआ था। रिसर्च प्रॉब्लम होती क्या है? क्वेश्चन है दैट रिसर्चर वांट्स टू आंसर और ए प्रॉब्लम दैट अ रिसर्चर वांट्स टू सॉल्व। रिसर्च प्रॉब्लम एक क्वेश्चन है जिसका आंसर रिसर्चर चाहता है, या फिर एक प्रॉब्लम है जिसको के रिसर्चर सॉल्व करना चाहता है। और इसके 6 कंपोनेंट है प्रॉब्लम स्टेटमेंट के। सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, देन बैकग्राउंड, फिर स्कोप ऑफ प्रॉब्लम, 4 कंसीक्वेंस, 5 नॉलेज गैप, 6 प्रपोज सॉल्यूशन। सबसे पहले था कि हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। इसके डिफरेंट सोर्सेज जो कि हमने पढ़े, डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। सोर्सेज में था पर्सनल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ लिटरेचर, प्रीवियस रिसर्च, एग्जिस्टिंग थ्योरीज, सोशल इश्यूज, ब्रेनस्टॉर्मिंग, इंट्यूशन, फोकलोर, एक्सपोजर टू फील्ड सिचुएशन एंड कंसल्टेशन विद एक्सपर्ट। ये सारे डिफरेंट सोर्सेज है जिनको यूटिलाइज करते हुए हम अपने रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आज हमने पढ़ना है क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग ए गुड रिसर्च प्रॉब्लम, कि कौन सा क्राइटेरिया है जिसकी बेस पे हम एक गुड रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट करते हैं। तो नंबर 1 है सिग्निफिकेंस फॉर नर्सिंग प्रोफेशन। जो भी हम नर्सिंग प्रॉब्लम सिलेक्ट करेंगे, रिसर्च प्रॉब्लम जो सिलेक्ट करेंगे, वो नर्सिंग प्रोफेशन के लिए सिग्निफिकेंट होनी चाहिए। A problem with a researcher which a researcher is selecting should have significance to nursing profession or it will not serve any purpose. उसका purpose सिर्फ और सिर्फ nursing profession की significance होना चाहिए। हमारी research problem ऐसी होनी चाहिए। A research problem is significant for nursing profession when it is directed to develop or refine the body of professional knowledge. तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि रिसर्च प्रॉब्लम नर्सिंग प्रोफेशन के लिए सिग्निफिकेंट है? वो या तो नॉलेज को रिफाइन करे जो पहले से प्रोफेशनल नॉलेज है नर्सिंग में, या फिर मजीद प्रोफेशनल नॉलेज को डेवलप करे। तो इससे हमें पता चलेगा कि नर्सिंग प्रोफेशन की तरफ ये रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो सिग्निफिकेंट है। A research problem could be considered significant for nursing profession if it fulfills the following criteria. Nursing profession के लिए वो significant होगी अगर वो following criteria को research problem जो है वो fulfill कर रही है।
Nursing profession and patient nurses and healthcare fraternity will benefit from the study. आप खुद रिसर्च से बेनिफिट हासिल करोगे, नर्सिंग प्रोफेशन को बेनिफिट होगा, पेशेंट को बेनिफिट होगा, ठीक है। तो इससे हमें पता चलेगा कि रिसर्च प्रोग्राम जो है वो सिग्निफिकेंट है नर्सिंग प्रोफेशन के लिए। द रिजल्ट विल इम्प्रूव क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस, और जो हमारे रिसर्च के बाद रिजल्ट आएंगे वो नर्सिंग प्रैक्टिस को इम्प्रूव करेंगे। प्रमोट नर्सिंग थ्योरी डेवलपमेंट और टेस्टिंग, नर्सिंग थ्योरी को डेवलप करेगी या फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्योरी को टेस्ट करेगी हमारी रिसर्च प्रोग्राम। प्रोवाइड सॉल्यूशन ऑफ करंट नर्सिंग प्रैक्टिस नीड, जो करंट नर्सिंग प्रैक्टिस हो रही है उनमें जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेगी, सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी। जनरेट इंफॉर्मेशन टू गेट प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन फॉर नर्सिंग प्रोफेशन, और प्रैक्टिकली तौर पे हम इसको अप्लाई कर सकेंगे नर्सिंग प्रोफेशन में। तो ये फॉलोइंग जो थे क्राइटेरिया वो ये थे, ये सब अगर रिसर्च प्रॉब्लम फुलफिल करेगी मतलब वो नर्सिंग के लिए, आपके लिए, नर्सिस के लिए, पेशेंट के लिए बेनिफिट होगी, नर्सिंग प्रैक्टिस को इम्प्रूव करेगी, नर्सिंग नॉलेज को इम्प्रूव करेगी, करंट अगर कोई प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करेगी, देन हम कहेंगे कि नर्सिंग प्रॉब्लम जो है वो नर्सिंग प्रोफेशन के लिए सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट है वो है ओरिजिनल नंबर टू पे। इट इज फंडामेंटली कंसीडर दैट एवरी रिसर्च प्रॉब्लम शुड बी न्यू एंड यूनिक इन इटसेल्फ, आपकी रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो न्यू और यूनिक होनी चाहिए। आप कोई भी प्रीवियस टॉपिक के ऊपर स्टडी नहीं करोगे, आप वो वाला टॉपिक सिलेक्ट करोगे जो कि न्यू और यूनिक होगा, उसके ऊपर इससे पहले रिसर्च नहीं हुई होगी। Therefore, it is the key responsibility of a researcher that an innovative knowledge is used for selecting a research problem so as to extend the growth of existing body of knowledge on a profession, ताकि growth हो सके knowledge की, जो आपकी professional knowledge है उसकी। तो आप ऐसा select करोगे, researcher की responsibility है कि वो कोई innovative knowledge लेके आए, ठीक है। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आप नहीं सिलेक्ट करोगे जिसके ऊपर पहले से स्टडी की गई हो, आपकी रिसर्च प्रॉब्लम या आपका टॉपिक जो है वो न्यू होगा, इनोवेटिव नॉलेज होगा। आवाज आ रही है मेरी सबको? ओके, थर्ड इसका जो क्राइटेरिया है वो है फिजिबल। फर्स्ट पे था प्रॉब्लम को, थर्ड पे है फिजिबल होना चाहिए। फिजिबिलिटी इज एन एसेंशियल क्वेश्चन है। फिजिबिलिटी आप कोई भी रिसर्चेंट और रिसर्चेबल प्रॉब्लम में भी, द फिजिबिलिटी ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम इन रेफरेंस टू टाइम, अवेलेबिलिटी टू सब्जेक्ट, फैसिलिटीज, इक्विपमेंट एंड मनी, and ethical consideration should be checked. आपकी प्रॉब्लम जो है वो फिजिबल होनी चाहिए सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, के सब्जेक्ट कितने अवेलेबल हैं, मनी रिसोर्सेस कितने यूटिलाइज होंगे, इक्विपमेंट कितने यूटिलाइज होंगे, ये सारी चीजें आपको पहले से माइंड में रख के फिर ही आपने रिसर्च करनी है। ये नहीं कि एक्चुअल तौर पे आप उसको रिसर्च को करने के काबिल नहीं हो या आपके पास जो पार्टिसिपेंट हैं वो उतने ना हो, तो इन सारी चीजों को माइंड में रख के रिसर्च
सर्च प्रॉब्लम जो है वो सिलेक्ट की जाती है। इट विल हेल्प द रिसर्चर टू डिसाइड व्हेदर रिसर्च सिलेक्टेड प्रॉब्लम इज अप्रोप्रिएट और इनअप्रोप्रिएट एंड स्टडी कैन बी एक्चुअली कैरीड आउट। तो ये सारी चीजें आपने देखनी है, फिजिबिलिटी देखनी है कि आप उसको कैरी आउट भी कर सकोगे कि नहीं, कि पहले आप सिलेक्ट कर लो और बाद में आप उसको कैरी ना कर सको रिसर्च। हाँ, मैंने कहा था कि हमने वो रिसर्च लेनी है जिसके ऊपर लिटरेचर हो, तो लिटरेचर होगा तो मैंने ये भी कहा था कि हमने गैप फाइंड आउट करना है। नॉलेज रिगार्डिंग आई वी कैमुलेशन अमंग रजिस्टर्ड नर्सिस तो मिलेगा ना लिटरेचर। हमने उसमें गैप देखा कि ये रजिस्टर्ड नर्सिस में हुई हुई है, ये स्टूडेंट ओके, वो इंटरनेट कनेक्शन का इशू था। तो फिजिबल में बात करी थी, फिजिबल इन टर्म ऑफ कन्वीनियंट, कि कितना कन्वीनियंट है इन द फॉर्म ऑफ टाइम इक्विपमेंट मनी आपके लिए। वो रिसर्च प्रॉब्लम को आप कर भी पाओगे कि नहीं, जो आप रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट कर रहे हो उसके ऊपर रिसर्च, ये ना बाद में आपको रिसोर्सेज की कमी हो, फंड्स की कमी हो, या आपके पास उतने पार्टिसिपेंट ना हो। तो जब आप रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट करो तो आपने सारी चीजों को माइंड में रख के रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट करनी होती है कि आप उसको फुलफिल कर भी पाओगे रिसर्च की सारी चीजों को, रिक्वायरमेंट को यहाँ पे नहीं।
So feasibility में सबसे पहले था टाइम. A nurse might be interested in studying sibling relationship among quintuplets. Knowledge of the impedance of quintuplet births would certainly discourage anyone considering research on this particular population, unless the researcher plans to make this time project. ये एक स्टडी की थी कॉन्टिनेंट्स होता है फाइव बर्ड्स पे, जैसे ट्विंस होते हैं ना डबल बर्ड्स, तो पांच बच्चे जब इकट्ठे पैदा होते हैं उनको कॉन्टिनेंट कहते हैं. तो उस पे ये रिसर्च की गई थी कि स्टडी सिबलिंग रिलेशनशिप, जो सिबलिंग या जो बहन भाई है उनका आपस में रिलेशनशिप देखने के लिए. तो नॉलेज ऑफ इंसिडेंस ऑफ कॉन्टिनेंट बर्ड वुड सर्टेनली डिस्करेज एनीवन कंसीडरिंग रिसर्च ऑन दिस पर्टिकुलर पॉपुलेशन. तो अब देखो ना, अब कॉन्टिनेंट कितने को पैदा होते होंगे, जो अगर ये टॉपिक सिलेक्ट किया जाए तो वो टाइम के लिहाज से कन्वीनियंट नहीं है. कॉन्टिनेंट जो है वो इतने ज्यादा तो पैदा होते नहीं है. सो टाइम इज अ फैक्टर टू कंसीडर. टाइम भी एक फैक्टर है. हमने ये देखना है कि जो हम प्रॉब्लम सिलेक्ट कर रहे हैं वो फिजिबल कितनी है अकॉर्डिंग टू टाइम. It is wise to allow more time than seems to be needed because unexpected delay frequently occur. So जितना हम time allocate करें उससे ज्यादा लग जाते हैं research करते हुए, क्योंकि बहुत सारी चीजों में delay हो जाते हैं. हाँ इसी तरह फिर कॉस्ट को देखते हैं. और रिसर्च प्रोजेक्ट कॉस्ट मनी. सम स्टडीज आर मच मोर एक्सपेंसिव देन अदर. द रिसर्चर मस्ट कंसीडर रियलिस्टिकली द फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल. फाइनेंशियली भी देखना है कि फाइनेंशियली तौर पे आप इतने हो कि अपने रिसर्च प्रॉब्लम को सपोर्ट कर सको, इतने फंड आपके पास अवेलेबल है, इतनी मनी है आपकी. तो आपने कॉस्ट को भी देखना है कि कॉस्ट के हिसाब से भी वो फिजिबल है या नहीं है. टाइम का ये देखना है कि फॉर एग्जाम्पल आपका देखो 1 ईयर है, आपने क्लिनिकल प्रैक्टिकल में जो रिसर्च प्रोजेक्ट करना है वो 1 ईयर विद इन 1 ईयर करना है. तो आप वैसा ही टॉपिक सिलेक्ट करोगे जो कि विद इन 1 ईयर कम्प्लीट हो जाए. तो टाइम के अकॉर्डिंग भी वो फिजिबल होना चाहिए. ये नहीं कि आपका फाइनल ईयर 1 ईयर के और आप क्लिनिकल प्रैक्टिकल के प्रोजेक्ट के लिए ऐसा रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट कर लो जिसको करने के लिए 2 साल लग जाए. तो टाइम भी जो है वो फिजिबल होना चाहिए. इसी तरह कॉस्ट है, मनी, फंड्स, ये भी देखनी है आपने कि रिसर्च पे कितनी कॉस्ट आएगी. तो आप अफोर्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते. तो रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट करते हुए आपने इन चीजों को भी देखना पड़ता है. फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ट्रीटमेंट का इफेक्ट देखना चाहो और वो मेडिसिन ही बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो, तो फिर ये सारी चीजें जो है ये माइंड में रख के रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट करनी पड़ती है. और अभी आपके पास इतने फंड्स नहीं है कि आप इस तरह की कोई रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट करो. आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनेयर बेस्ड रिसर्च कर सकते हो. और क्वेश्चनेयर भी कितने 100-200, इससे ज्यादा तो फंड्स अवेलेबल नहीं होते, इतनी मनी नहीं होती.
ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। इसी तरह से आ गया इक्विपमेंट एंड सप्लाईज, और रिसर्च प्रोजेक्ट रिक्वायर सम टाइप ऑफ रिसोर्सेज। Therefore, before making the final decision to conduct a study, an accurate determination of needed equipment and supplies should be ensured. कि कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए आपको रिसर्च करने के लिए, वो भी पहले से आपके माइंड में होने चाहिए कि बाद में उनकी सप्लाई इंश्योर कर सको। ये ना हो जब रिसर्च शुरू की तो बाद में आपके पास पैसे खत्म हो गए इक्विपमेंट खरीदने के। If researcher takes into consideration equipment and supplies in the early phase of research project, there are less chances of the project to be revised or discarded later because of equipment or supply problem. So researcher को पहले से ही mind में ये सारी चीजें रखनी चाहिए कि वो ये सारी चीजें afford भी कर सकता है या नहीं कर सकता। ये ना हो बाद में इतने पैसे ना हो कि equipment वगैरह खरीदने के, तो फिर आपको अपनी रिसर्च जो है वो डिसकंटिन्यू करनी पड़े। इसी तरह फिर देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट कितनी चाहिए, मैंने रिसर्च प्रोजेक्ट रिक्वायर एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट को एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट रिक्वायर होती है। दिनर्स रिसर्चर में फाइन रिक्वायर डिफिकल्ट टू कंडक्ट रिसर्च इंडिपेंडेंटली। बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट में नर्स जो है वो अकेली खुद से जो है वो रिसर्च नहीं कर पाती, उसको साथ में रिसर्च सपोर्ट चाहिए होती है। फाइनेंशियल एज वेल एज साइकोलॉजिकल सपोर्ट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव इज वेरी हेल्पफुल। तो फाइनेंशियली भी चाहिए होती है एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, प्लस साइकोलॉजिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट भी चाहिए होती है। Knowing that your superior support your research efforts can be very powerful motivating force. So आपके superior आपको help करें, ये काफी motivating force होती है, motivate करती है इंसान को। तो ये भी आपने देखना है कि administrative support available है यहाँ पे इनके नहीं। Then उसके बाद आ जाता है peer support। Peer कहते हैं fellow को। Many research ideas have never been developed because potential researcher receive no support from their peers. वो सारे ideas researchers को अपनी peer support नहीं मिलती। One of the best way to determine a researchable problem is through interaction and discussion with other nurses. A climate of shared interest in nursing research is essential among the members of nursing profession. तो जितना अपने fellow से चीजों को discuss करते हो उतनी ही ज्यादा help मिलती है problem को solve करने के लिए। Psychological support जो हमने पीछे पढ़ा है administrative support में, psychological support ऐसे जैसे के motivate करना भी एक psychological support में आ जाता है। Anxiety को less करना, tension को relieve करना, जब आपके superior आपको motivate करते हैं तो एक sense of satisfaction आती है। तो इस तरह से आप एंग्जायटी टेंशन ये सारी चीजें रिलीफ हो जाती हैं। तो इस फॉर्म में इसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट कहा गया। उसके बाद आ जाता है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स। ए रिसर्चर में बिलीव दैट स्टडी सब्जेक्ट्स आर रेडीली अवेलेबल फॉर द स्टडी, बट दिस मे नॉट बी द केस। के सब्जेक्ट्स हैं वो और अवेलेबल हो स्टडी के लिए, जिन सब्जेक्ट्स पे आपने रिसर्च करनी है। पोटेंशियल सब्जेक्ट में नॉट मीट द स्टडी क्राइटेरिया मे बी अनविलिंग टू पार्टिसिपेट और मे ऑलरेडी बी पार्टिसिपेटिंग इन अदर स्टडी।
ये नहीं है कि पार्टिसिपेंट जो है वो आपके अनविलिंग हो जाता है, आपको पार्टिसिपेंट मिले ही ना आपकी स्टडी के लिए, तो ये भी आपने पहले से सोच के रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई एचआईवी एड्स का टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हो तो इस पे आपको इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं मिलेगी, सब्जेक्ट नहीं मिलेंगे आपको अपनी स्टडी के लिए या रिसर्च के लिए, तो ये भी आपने माइंड में रखना है कि मेरा क्राइटेरिया जो है पार्टिसिपेंट को सिलेक्ट करने का वो भी फिजिबल है या कि नहीं। ये ना मैं स्टडी स्टार्ट कर दूं और एट दी एंड मुझे जो है ना पार्टिसिपेंट ही ना मिले अपनी स्टडी के लिए। रिसर्चर्स कॉम्पिटेंसी, ए रिसर्च प्रॉब्लम कैन ओनली बी फिजिबल इफ इट इज इन अकॉर्डेंस विद रिसर्चर्स कॉम्पिटेंसी वेयर रिसर्चर इज कैपेबल टू हैंडल अ गिवन रिसर्च प्रॉब्लम। तो ये भी देखना है कि रिसर्च प्रॉब्लम जो आपने सिलेक्ट किया उसको करने के कॉम्पिटेंट भी हो या फिर नहीं, कि आपने एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का टॉपिक सिलेक्ट कर लिया और अभी आपकी कॉम्पिटेंसी जो है वो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वाली हो, तो ये सारी चीजें भी माइंड में रख के तो फिर आपने रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट करना है। अभी तक जितना पढ़ा वो क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है एथिकल कंसीडरेशन। ए रिसर्चर मस्ट एंश्योर दैट रिसर्च प्रॉब्लम कैन बी कंसीडर्ड बाय द एथिकल कमेटी विदाउट अनड्यू हर्डल। ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ रिसर्च कैन नॉट बी कंसीडर्ड फिजिबल यूनिट एंड अनलेस इट इज इन अकॉर्डेंस विद एथिकल गाइडलाइन। तो जब तक ये एथिकल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं होगा ये फिजिबल कंसीडर नहीं किया जाएगा, और हमने सारी एथिकल गाइडलाइन पढ़ी है जो भी हमने एथिकल कंसीडरेशन रिसर्च पढ़ा, तो आपका ये रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो एथिकली भी फिजिबल होनी चाहिए, ताकि एथिकल कमेटी जो हमने आईआर भी पढ़ा के रिव्यू बोर्ड है वो उसको अप्रूवल दे। एथिकल एथिकली फिजिबल होगा देन ही वो अप्रूवल देगा, तो आप अपनी रिसर्च स्टडी कंडक्ट करोगे, नहीं अगर आपको नहीं मिली परमिशन तो आप रिसर्च स्टडी कंडक्ट नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट करने से पहले अपनी अटेंडेंस लगवा लो।
डबल अटेंडेंस मत मार्क किया करो, सिंगल अटेंडेंस मार्क किया करो। ओके, नेक्स्ट क्राइटेरिया सॉल्वेबल और रिसर्चेबल। प्रॉब्लम सिलेक्टेड इज कंसीडर्ड गुड ओनली इफ इट इज सॉल्वेबल सो दैट चांसेस ऑफ इनसॉल्वेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम शुड बी मिनिमाइज। के आप जो रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट कर रहे हो वो सॉल्वेबल भी होनी चाहिए ना, और कैसी होगी सॉल्व ही ना हो सके और आप अनसॉल्वेबल जो है वो सिलेक्ट करके बैठ चुके हो। It will enhance relevant results. For example, the researchers select a research program to know the existence of God in this universe. अब God की existence देखना है, ये उसने एक research problem select कर लिया तो ये solvable ही नहीं है। तो आपकी research problem ऐसी होनी चाहिए जो आप solve भी कर सको। The source of problem are ambiguous and impossible to solve. अब existence of God देखना चाह रहा है तो ये वाली प्रॉब्लम तो इम्पॉसिबल है सॉल्व होना। देयरफॉर द रिसर्चर मस्ट इंश्योर दैट अ रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्टेड फॉर अ स्टडी इज सॉल्वेबल। इसलिए रिसर्चर को ऐसी रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट करनी चाहिए जो कि सॉल्वेबल भी हो। नंबर 5 पे है करंट। ए गुड रिसर्च प्रॉब्लम मस्ट बी बेस्ड ऑन द करंट प्रॉब्लम एंड नीड ऑफ अ प्रोफेशन so that results generated will be of more use. Research problem current problem होनी चाहिए। अभी देखो जैसे अगर हम current problem की बात करें तो अभी corona virus जो है वो current problem है, तो हमें अपनी research problem जो है वो corona virus से related ही ढूंढनी चाहिए। Furthermore, more number of professionals will be interested in the research conducted on the current issues of their profession. तो ज्यादा सारे जो प्रोफेशनल है ना वो करंट इश्यूज को ही लेके चलते हैं। अगर हम अपने प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन में अभी कौन से करंट प्रॉब्लम्स चल रही है मुझे चैट में बताएं जरा, कि अगर आपने कोई रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट करनी है अकॉर्डिंग टू नर्सिंग प्रोफेशन तो अभी करंट जो है वो कौन सी प्रॉब्लम है जो कि नर्सिंग या नर्सिंग स्टूडेंट फेस कर रहे हैं। वायरस नहीं बताना और अपनी करंट इश्यूज को, बट नर्सिंग प्रोफेशन को लेके अभी वो अभी जो चल रहे हैं आपके साथ, कोरोना तो पूरी दुनिया के साथ चल रहा है।
नेक्स्ट है इंटरेस्टिंग. A research problem can only be considered good if it is in accordance with researcher's field of interest. तो रिसर्च प्रॉब्लम तभी गुड कंसीडर की जाएगी जबकि वो आपके फील्ड के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो. A research problem must be as per the motivation of the researcher and it should be fascinating to the researcher so that research is conducted with full enthusiasm and not merely for its accomplishment. तो रिसर्चर के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए रिसर्च प्रॉब्लम, तभी वो उसमें ज्यादा मोटिवेट होगा, एंथुसियास्टिक होगा इसको फुलफिल करने के लिए और इसको कंडक्ट करने के लिए. अब फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम है कि हम रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कैसे करते हैं. सबसे पहले हम एक रिसर्च एरिया सेलेक्ट करते हैं. Then reviewing the literature and theories, literature और theories को review करते हैं. Then अपने topic को narrow करते हैं, delimit करते हैं. फिर evaluate the research problem and then formulating final statement of research problem. So formulation of research problem is very important topic. Selection of a research area. Formulate of a research problem means with selection of broad research topic form, personal experience, literature, previous research and theories in which researcher is interested and has significance for nursing profession. सबसे पहले हम एक broad area select करते हैं, वही personal experience की base पे literature search करते हैं, previous theories को पढ़ते हैं या फिर वो जितने भी sources हम literature पढ़े उन सबको utilize करते हुए हम एक border area of research को select कर लेते हैं. For example, a researcher gets an idea to conduct a study on the female fetuses. ये उसने idea get किया, लेकिन therefore he or she initially begins with such broad research topic. ये एक बहुत broad topic है, तो start कैसे करना है? सिर्फ एक idea लेना research area का. Reviewing literature and theories. फॉर एग्जाम्पल अभी किसी ने मुझे लिख के दिया था पॉवर्टी एंड लो इनकम. तो पॉवर्टी एंड लो इनकम क्या है? एक ब्रॉड एरिया. तो स्टार्ट आप करते हो एक ब्रॉड एरिया से, उसके बाद आप रिव्यू लिटरेचर करते हो और थेरीज को रिव्यू करते हो. आफ्टर गेटिंग अ ब्रॉड आइडिया फॉर रिसर्च ही और शी नीड्स टू रिव्यू द नर्सिंग लिटरेचर एंड थेरीज. उसके बाद ही और शी ब्रॉड टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद नर्सिंग लिटरेचर को स्टडी करेगा और कौन सी चीजों को स्टडी कर लिया गया और कहाँ पे नॉलेज गैप जो है वो मौजूद है. मेरी आवाज आ रही है सबको? Okay, review of nursing theories provide an opportunity for nurses researcher to plan a research problem to contribute toward either testing or development of a theory or conceptual model. और theories को जब review किया जाएगा तो वो हमें पता चलेगा कि हमने जो topic select किया है क्या वो theory को develop करने के लिए या already existing theory को define करने के लिए. Then है delimiting the research topic. In this step, researcher proceed from a general area of interest to more specific topic of research to conduct the study. फिर जो हमने broad topic select किया था उसको हम narrow down करेंगे. For example, initially a researcher decide to conduct a study on female feticide
लेटर इन दिस स्टेज रिसर्चर लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक रिसर्च टॉपिक। पहले उसने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ब्रॉड टॉपिक को सिलेक्ट करना है, तो उसमें रिसर्चर ने सिलेक्ट किया था फीमेल फेटिसाइड। उसके बाद उसने रिव्यू किया लिटरेचर को और थेरीज को, और उसके बाद थर्ड स्टेप में आके उसने उसको नैरो डाउन कर दिया। ए स्टडी ऑन परसेप्शन ऑफ वीमेन अबाउट कॉजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ फीमेल फेटिसाइड इन सेलेक्टेड रूरल कम्युनिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट गुजरात। तो अब ये क्या हो गया, लिमिटेड हो गया कि वुमेन की परसेप्शन देखनी है अबाउट कॉजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ फीमेल फेटिसाइड गुजरात कम्युनिटी में। तो पहले जो था वो ब्रॉड टॉपिक था, फिर रिव्यू करने के बाद इसको थर्ड स्टेप में आके नैरो डाउन कर लिया। इन दिस स्टेट स्टेज के रिसर्चर क्लियरली आइडेंटिफाई वेरिएबल पॉपुलेशन एंड सेटिंग ऑफ रिसर्च स्टडी। तो डीलिमिटिंग ऑफ द रिसर्च टॉपिक में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेरिएबल नॉलेज पर, जिसमें परसेप्शन ऑफ वुमेन जो है वो है, और वेरिएबल जो है पॉपुलेशन जो है वो वुमेन है डिस्ट्रिक्ट गुजरात की, और सेटिंग कौन सी है गुजरात। तो ठीक है, इस स्टेज में आके कंप्लीट जो है वो बन जाती है रिसर्च प्रॉब्लम की स्टेटमेंट। देन हमने करना है अवैल्युएटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। तो हमने रिसर्च प्रॉब्लम बनाई, उसको अवैल्युएट करना है। अभी तक जितना पढ़ा है वो क्लियर समझ में आ गया? Evaluating में क्या है, once researcher is clear about the specific research problem, next research problem must be carefully evaluated for its significance, researchability and feasibility. पहले हमने broad topic बनाया, फिर हमने review किया literature को और theories को, उसके बाद हमने narrow down कर दिया topic को। narrow down करने के बाद complete research problem statement जब हमारे पास आ गई, तो हमने अब देखना है कि क्या वो significant है अपने nursing profession के लिए, या वो फिजिबल है, या फिर रिसर्च अबिलिटीज की देखने के वो हम इजीली रिसर्च को कंडक्ट भी कर सकते हैं या फिर नहीं। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम एरिया, द रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइंड थ्रू अ प्रोसेस दैट प्रोसीड फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ जनरल आइडिया ऑफ इंटरेस्ट टू डेफिनेशन ऑफ अ मोर स्पेसिफिक एंड सर्कमस्क्राइब्ड टॉपिक। तो एरिया को पहले वो ब्रॉड था, फिर हमने उसको लिमिट करके नैरो कर लिया। लिटरेचर रिव्यू, preliminary literature review reveals related factor that appears critical to research topic of interest and aids in further definition of research problem. तो जब हम review करते हैं literature को, तो हमें critical appraisal मिल जाता है अपने topic के बारे में, और हम उसको जो है ना more clearly और interesting बना देते हैं after reviewing the literature. सिग्निफिकेंस में वही बातें हैं जो पहले हुई थी, और फिजिबिलिटी में भी। द सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम मस्ट बी आइडेंटिफाइड इन टर्म्स ऑफ इट्स पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन टू द क्लाइंट, नर्सेस, द मेडिकल कम्युनिटी इन जनरल एंड सोसाइटी, applicability of the problem for nursing practice, education, administration, as well as its theoretical relevance must be established, and the findings should also have the potential for formulating or altering nursing practice or policies. So, significance of features bhi padh ke aaye ke nursing ke liye, patient ke liye, medical community ke liye, ahmiyat ki hamil honi chahiye,
और इससे हम करंट पॉलिसीज जो है वो बना सकें, मॉडिफाई कर सकें और करंट नर्सिंग प्रैक्टिस में जो इश्यूज आए हैं उनको सॉल्व कर सके। फिजिबिलिटी क्या है ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम शुड बी एवेल्युएटेड फॉर टाइम कॉस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट एंड रिसोर्सेज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पीयर सपोर्ट एथिकल कंसीडरेशन एंड रिसर्च कॉम्पिटेंसी एंड इंटरेस्ट। ये भी वही जो रिवाइज हो रहा है सारा, फिजिबिलिटी में हम टाइम देखेंगे, कॉस्ट देखेंगे, पार्टिसिपेंट कितने अवेलेबल है वो देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव और पीयर सपोर्ट अवेलेबल है या नहीं, एथिकल कंसीडरेशन देखेंगे और रिसर्चर्स का इंटरेस्ट और कॉम्पिटेंसी देखेंगे। Researchability the problem must be researchable that is it must be capable of being empirically investigated. A philosophical question or an issue of a moral or ethical nature is not amenable to scientific investigation. For example, leprosy is the result of curse or punishment of God. ये भी वही revise हो रहा है कि आपका जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो रिसर्चेबल होनी चाहिए। एक ऐसा टॉपिक भी सिलेक्ट कर देना कि जो रिसर्चेबल नहीं है, जैसे कि वो कह रहा है लेप्रेसी जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से सजा है, तो इस तरह के टॉपिक जो है वो सिलेक्ट नहीं करना। फिर फाइनल स्टेटमेंट जो है वो आपने फॉर्मलाइज करनी है। आफ्टर एस्टैब्लिशिंग द सिग्निफिकेंस रिसर्चेबिलिटी एंड फिजिबिलिटी रिसर्च फाइनली फॉर्मुलेट अ फाइनल स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। फॉर्मेट इसका या तो डिक्लेरेटिव होता है या फिर इंटरोगेटिव होता है। डिक्लेरेटिव ये जैसे कि पहले मैंने आपको पढ़ाया था, इसमें सारे वेरिएबल्स होते हैं, पॉपुलेशन होती है, सेटिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल ए डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑन प्रेवलेंस ऑफ बेड सोर्स अमंग अनकॉन्शियस पेशेंट एडमिटेड इन इंटेंसिव केयर यूनिट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ लाहौर। इंटरोगेटिव में भी हम लिख सकते हैं, मतलब क्वेश्चन मार्क में। व्हाट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन ऑन पिन साइट इंफेक्शन अमंग पेशेंट विद एक्सटर्नल स्केलेटल फिक्सेटर एडमिटेड इन ऑर्थोपेडिक वार्ड ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ लाहौर। तो यहाँ तो हम इसको डिक्लेरेटिव में लिखते हैं, यहाँ पर इंटरोगेटिव में भी लिख सकते हैं। The choice of either two types of formulation of a research problem depends on the researcher's preference and institutional policies. तो ये डिपेंड करता है प्रेफरेंस पे या फिर इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज पे कि कौन सा है, आपने इंटरोगेटिव फॉर्मेट यूज करना है या फिर डिक्लेरेटिव करना है। वैसे ज्यादातर जो यूज किया जाता है रिसर्च प्रॉब्लम का फॉर्मेट वो डिक्लेरेटिव होता है। For the formulation of a research problem, it is preferable it is fulfill the following criteria. Research problem is clearly and precisely articulated, which state the variable population and research setting under study. Variables are expressed in variable terms, and the study may be included in the statement of research problem. ये पहले भी कर चुके थे, ये वही है। For example, ये example हम पहले भी कर चुके हैं। तो ये एक टॉपिक दिया हुआ है और उसमें बताया हुआ है कि रिसर्च स्टडी टाइप कौन सी है, वेरिएबल कौन सी है, पॉपुलेशन कौन सी है और रिसर्च सेटिंग कौन सी है। तो आपकी ये फुल फ्लेज एक रिसर्च स्टेटमेंट है, रिसर्च प्रॉब्लम की स्टेटमेंट इस तरह से लिखनी है आपने। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिसर्च प्रॉब्लम, एक गुड रिसर्च प्रॉब्लम कैसी होनी चाहिए। क्लियरली प्रिसाइजली एंड concisely articulated, it clearly states the variable and the type of study may be included in the research statement. So
ये था आज का लेक्चर। आज हमने पढ़ा कि रिसर्च प्रॉब्लम का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए और फिर हमने उसको फॉर्मुलेट करने के स्टेप्स पढ़े। अब कल की क्लास में आप सब लोगों ने एक इंटरोगेटिव फॉर्मेट में रिसर्च प्रॉब्लम लिख के लेके आनी है और एक डेक्लेरेटिव फॉर्मेट में। ये दोनों मैं आपसे लिखवाऊंगी कल, उसके बाद नेक्स्ट क्लास शुरू करूंगी लेक्चर, ठीक है। एक ये डेक्लेरेटिव फॉर्मेट में आपने लिखना है रिसर्च प्रॉब्लम को और एक इंटरोगेटिव फॉर्मेट में लिखना है। अभी के लिए कोई क्वेश्चन? ओके देन, अल्लाह हाफिज़। डिक्लेरेटिव में क्वेश्चन फॉर्म में नहीं होगी, सिंपल स्टेटमेंट आप लिखोगे। जैसे डिक्लेरेटिव फॉर्मेट की एग्जांपल दी गई है, ए डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑन प्रेवलेंस ऑफ बैड सोर अमंग अनकॉन्शियस पेशेंट एडमिटेड इन इंटेंसिव केयर यूनिट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ लाहौर। लेकिन इंटरोगेटिव में आप व्हाट, वेयर, व्हेन इस तरह के पहले वर्ड यूज करोगे। जैसे व्हाट इज द इन्फ्लुएंस क्वेश्चन फॉर्म में लेके आओगे, व्हाट इज द इन्फ्लुएंस। बाकी सारी चीजें इसमें वही होंगी, पॉपुलेशन भी, सेटिंग भी, वेरिएबल भी, बस इसमें व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हाई वाले वर्ड्स हैं वो स्टार्ट में आ जाएंगे, ठीक है।